सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 23,832 करोड़ का हिसाब दबाए बैठे हैं कई विभाग। 63,366 अनुदानों का हिसाब किताब नहीं मिला है। विभागों ने अनुदानों का उपभोग प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। 2017 से 2019 तक अनुदानों का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं दिया है। सबसे ज्यादा यूजर सर्टिफिकेट समाज कल्याण को बकाया। आइए इस रिपोर्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है लखनऊ से, हमारे संवाददाता। अनुभव बताइए, सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं? देखिए बिल्कुल, सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की विधान परिषद में वो टेबल की गई और उसमें साफ तौर पर ये है कि तकरीबन 63,000 से ज़्यादा ऐसे अनुदान, या हम कहें कि वो पैसा होता है, वो अनुदान लिए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए। तो 63,000 से ज़्यादा ऐसे अनुदान थे जिसका 23,000 करोड़ के आसपास ये धनराशि बनती है। और अगर आप कोई अनुदान लेते हैं किसी भी मद में खर्च करने के लिए, तो उसका एक सर्टिफिकेट विभाग को देना पड़ता है जिसकी जो अधिकतम अवधि है 12 महीने या फिर ज़्यादा ज़्यादा आप 18 महीने में उसे दे सकते हैं कि आपने अगर इस योजना के लिए अनुदान लिया है तो उसको कहाँ कहाँ खर्च किया है, कैसे उस पैसे का इस्तेमाल होता है, उसका पूरा एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यूजर सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। तो वो नहीं दिया है बहुत सारे विभागों ने, और 63,000 से ज़्यादा अनुदान तो ले लिए पर उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं है। और ये 23,000 करोड़ के आसपास है। समाज कल्याण विभाग में सबसे ज़्यादा है, फिर जो शहरी विकास विभाग है उसमें है, इसी तरह से पंचायती राज में है, माध्यमिक शिक्षा में है, अलग अलग विभागों में इसी तरीके से अनुदान दिए गए हैं पर उनका जो सर्टिफिकेट है कैसे इस्तेमाल किया गया, कहाँ इस्तेमाल किया गया, क्या वजह रही उस अनुदान को लेने की, क्या पहले से जो बजट दिया गया था उसमें वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था या वो योजना पूरी नहीं हो पा रही थी इसीलिए अनुदान लिया जाता है और उसका सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। तो इसको जरूर पॉइंट आउट किया है सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में। ठीक है अनुभव, आपने महत्वपूर्ण बात बताई हमारे दर्शकों को, सीएजी की रिपोर्ट में जो खास थी वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। हमारे साथ बने रहिए अनुभव, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए, बड़ी खबर है। चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी सरकार। जी हाँ, ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा दरें नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में एआरआर प्रस्ताव दाखिल किया है। नियामक आयोग को पावर कॉरपोरेशन ने नया टैरिफ का प्रस्ताव नहीं सौंपा है। मतलब ये कि इस वर्ष में, चुनावी वर्ष में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, आज की बात उपभोक्ताओं के लिए, कम से कम चुनावी वर्ष में उन्हें बिजली की बड़ी दरें नहीं देनी होंगी और इस वर्ष वो पिछली दरों पर ही भुगतान कर पाएंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल राहत की बात है क्योंकि जो भी बिजली की दरें होती हैं वो पावर कॉरपोरेशन एक अपनी तरफ से, हम कहें तो एक वो रेट बनाता है कि प्रपोज रेट बनाता है और वो नियामक आयोग में सबमिट करता है। अंतिम फैसला नियामक आयोग करता है कि बिजली की दरें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। लेकिन इस बार जो अपना एनुअल रिव्यू रिपोर्ट उन्होंने दाखिल किया उसमें कोई नए टैरिफ की बात नहीं की है, वरना क्या होता था, हर बार एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ वो ये बताते थे कि हमें इतना घाटा हुआ है और इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली की दरें हमें बढ़ानी पड़ेगी। एनुअल रिव्यू रिपोर्ट में उन्होंने बाकी तो सारी चीज़ें बताई हैं पर नया टैरिफ का होगा इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। तो इसको लेकर अब साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, सभी को पता है 2022 में इलेक्शन होना है और ऐसे में कोई भी कदम सरकार ऐसा नहीं उठाएगी जिससे कि जनता वोटर नाराज हो। इसीलिए ये अब फैसला कहें कि एक संकेत दिए हैं श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री ने कि चुनावी वर्ष में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्होंने जो पावर कॉरपोरेशन, उसने एक याचिका जरूर दायर की है नियामक आयोग में कि जो दरें हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अब अगर आपने कोई पिटिशन दाखिल की है तो उस पर फैसला भी नियामक आयोग को करना है। लेकिन हाँ, अगर टैरिफ के बारे में नहीं कोई विचार किया है तो ये कहा जा सकता है। ठीक है अनुभव, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी एक और ये तो जन सरोकार का विषय है जो आपने बताया, जो खबर अपडेट किया। हमारे साथ बने रहिए आप अनुभव, आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें गाजियाबाद से, वहां पर कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में चल रहे बिलिंग कैफे रेस्टोरेंट में अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस ने छापा मारा। काम करते लोग, पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में शराब बरामद। तुम्हारे रेस्टोरेंट, अभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तुम्हारे रेस्टोरेंट का है, यहीं का है ना? हाँ, हुक्का चल रहा था, चलता है ना? चलता है यहाँ पे, चलता है। क्या नाम तुम्हारा? ये जितना भी बरामद हुआ है सब ये हुक्का चलता है बार में तुम्हारे रेस्टोरेंट में? चलता है जी।
चलता है ना, आज चल रहा था वो सब तुम्हारे वो पेपरमेंट और कोयला सब लाल था ना, रोज चलता है। तो देखा आपने कैसे छापा मारा, रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने वहां पर रेड की और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा। और एक और बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, एक परिवार के 6 लोग और एक ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। सड़क पर पलटे टैंकर में जा टकराई इनोवा कार, इनोवा सवार दंपति, 2 बेटों, 2 रिश्तेदारों और चालक की मौत की खबर आ रही है। गाड़ी काट कर शवों को बाहर निकाला गया। दुर्घटना में मारे गए 7 लोग जीत के सफीदों गांव, इनमें से 4 एक ही परिवार के हैं, जिनके नाम मनोज उम्र 45 वर्ष, मनोज की पत्नी बबीता 40 वर्ष, उनका बड़ा बेटा अभय 18 वर्ष, छोटा बेटा हेमंत 16 वर्ष, इसके अलावा कल्लू 10 वर्ष, हिमाद्री 14 वर्ष और ड्राइवर राकेश भी मरने वाला है शायद। देखिए जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जाहिर किया, प्रशासनिक अधिकारियों को घटनास्थल पर रहने के उन्होंने निर्देश दिए हैं, पीड़ितों के हर संभव सहायता के निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं। गहरा दुख उन्होंने व्यक्त किया है इस सड़क हादसे पर, अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर वहां पर तमाम व्यवस्थाएं संभालने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की याचिका पर आज सुनवाई है, यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार, लंबे समय से मुख्तार को यूपी लाने की तैयारी हो रही है और चूंकि पंजाब सरकार ने बीमारी की बात कही है मुख्तार की और इसलिए उसे यूपी गवर्नमेंट को देने से इनकार किया था या एफिडेविट भी दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, अब देखना महत्वपूर्ण की सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस सारे मामले पर, यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यूपी सरकार की याचिका पर, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंकड़े कह रहे हैं कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो जाएगी, बड़ी खबर, यूपी में प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी हुई, यूपी में 2 गुने के करीब पहुंची प्रति व्यक्ति आय, इसी वित्तीय वर्ष में आय में वृद्धि संभव जो चल रहा है, साल के आखिर तक आय 94,000 के पार होने का अनुमान है उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, 2 गुने के करीब जा पहुंची है प्रति व्यक्ति आय, इस वित्तीय वर्ष में आय में वृद्धि संभव है, यानी 31 मार्च 2021 तक के वक्त में ही आय 2 गुनी हो जाएगी, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन का बयान बेमा दिन, आज किसान मनाएंगे दमन विरोधी दिवस, सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, किसानों के खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई न करने की मांग की गई है। आज आगरा में किसानों की महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा यहां पर महापंचायत करेगा, दोपहर 12 बजे राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे, किरावली के ग्रामीण मिनी स्टेडियम में महापंचायत होगी, कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार किसान नेता समर्थन जुटा रहे हैं। चलिए सीधा आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 92 दिनों से, हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह वहां से सीधा कनेक्ट है। शक्ति,
आज सुबह इस आंदोलन को आप किस नए मोड़ पर देख रहे हैं? देखिए, अगर आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले हम रोजाना की तरह दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर की, और ये सुबह सुबह का वक्त है और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है, जो कि रोजाना की जगह रोजाना की तरह यहाँ में किसान नजर आते हैं और हम किसानों से बात करते हैं कि आज उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से रहेगा और आज किस तरीके से यहाँ पर अपना दिन गुजारने की किसान कोशिश करेंगे। किसान हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, आज क्या प्रोग्राम है आपके, क्या कार्यक्रम है आज आपके? आज दमन दिवस है और हर जिले में, पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और धरना तो जारी है ही। ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक मोदी जी किसानों की सारी बात नहीं मान लेते। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि मोदी जी से हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमें नहीं दे रहे, और ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो कृषि के विरोध बिल हैं वो थोपे जा रहे हैं। किसानों का आज भी वही कहना है जो पहले दिन कहना था, और अगर हम किसानों की बात करें तो किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर वही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और MSP पर कानून बने, तो किसानों की आज भी वही मांग है। अगर मांग की बात करें, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात भी आज? जी बिल्कुल, क्या थे आज सभी जितने भी जो तहसील हैं, कलेक्टर हैं, जितने भी जिले हैं, वहां पर एक ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, और राष्ट्रपति उस ज्ञापन में ये अवगत कराया जाएगा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से ये बिल किसानों पर थोपे गए हैं उस बिल को वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से दमन विरोधी जो नीति आज जो किसान बता रहे हैं उसके चलते ये पूरा कार्यक्रम है, और ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है सभी जिलों पर, सभी मुख्यालयों पर, सभी तहसीलों पर। तो लगातार किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों का आज भी वही कहना है। जिस तरीके से हम रोजाना यहाँ सुबह आते हैं तो सुबह आने के वक्त हम सबसे पहले दर्शकों को यही तस्वीर दिखाते हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं वह भी इन तस्वीरों से नजर आता। जी बिल्कुल शक्ति, आपने पिछले 92 दिनों से जब से आंदोलन चल रहा है ABP गंगा के दर्शकों को दिखाया है, लगभग हर सुबह दिखाया है कि वहाँ पर किस तरह से किसानों की भीड़ है, कैसे वो अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनकी दिन भर की योजना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इन जानकारियों के लिए जो अभी आपने हमारे दर्शकों को दी किसान आंदोलन के 92वें दिन के बारे में। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आज 5वां दिन है, धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पास कराएगी सरकार, सदन की कार्रवाई हंगामा खेज होगी, हंगामेदार रहने के आसार हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं। बजट सत्र का यूपी विधानसभा में आज 5वां दिन, धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पास कराएगी सरकार, इसको टेबल किया जा चुका है, आज इसे सरकार पास कराएगी और इसी वजह से हंगामेदार रहने के आसार सत्र के आज 5वें दिन मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपनी बात कर सकते हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण 5वां दिन बजट सत्र का। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज सदन में धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 सरकार पास कराएगी, दूसरी ओर धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अध्यादेश के खिलाफ अर्जियों पर आज सुनवाई होगी, पहले याचिकाकर्ताओं की दलील और फिर सरकार का पक्ष रखा जाएगा, दोपहर 2 बजे से यह सुनवाई हो सकती है। तो एक और विधानसभा में इस विधेयक पर आप चर्चा सुनेंगे या हंगामा देखेंगे, दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इसी विधेयक पर सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की याचिकाकर्ताओं की अर्जियां पढ़ेगी और सुनेगी कोर्ट। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं लखनऊ। अनुभव, धर्मांतरण अध्यादेश जब से आया है, बल्कि जब से इसका ख्याल भी आया सामने, सबके सामने, तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ है और आज तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। क्या, कितने बजे इस पर चर्चा शुरू हो सकती है विधानसभा के भीतर? देखिए, बजट सत्र की शुरुआत तो 11 बजे होगी और सबसे पहले क्वेश्चन आवर होगा, तकरीबन हम कहें कि 12:15 तक क्वेश्चन आवर चलेगा, उसके बाद जो है राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होनी है, फिर उसके बाद यानी दोपहर बाद जो है वो जो ये विधेयक है, और आज कुल 4 विधेयक जो हैं वो पास कराने हैं सरकार को, और उसमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म स्व परिवर्तन परिषद
अध्यादेश जो है 2020 उसे भी पास कराना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। जब कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया तब विरोध हुआ, जब ऑर्डिनेंस बना तब इसका विरोध हुआ, और जब अब इसे पास कराना है तब भी विपक्ष की तैयारी है कि वो इसका पुरजोर विरोध करेगी। विधानसभा में तो बीजेपी के पास नंबर है, वहाँ कोई उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब बेहद आसानी से वो इसे पास करा लेगी। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब विधान परिषद में इसे पास कराना होगा क्योंकि वहाँ पर नंबर नहीं है। कल विधान परिषद में एक शिक्षा अधिकरण विधेयक था, उसको बीजेपी ने ध्वनिमत से पास कराया तो उसको लेकर सपा के जो सदस्य है वो धरने पर बैठ गए, आज भी उनका हंगामा वहाँ जारी रहेगा। तो जब ये वाला विधेयक वहाँ पर लाया जाएगा तब और ज़्यादा हंगामा होगा। विधानसभा में तो आज आसानी से ये पास हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी तरफ से कुछ इसमें संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इस सारे मसले पर। और अब बात कौशाम्बी की, जहाँ पर एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी और तभी घर के पास ही खड़े कुछ मनचलों ने छात्रा से छेड़खानी की। छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो मनचलों ने उसके घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की। इस मारपीट में छात्रा सहित उसके माँ पापा और भाई को गंभीर चोटें आई। देखिए आप, मनचलों ने छात्रा से छेड़खानी की है और छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की है। माँ बाप और भाई को भी चोटें आई हैं इस मारपीट में, मनचलों ने जो गुंडागर्दी की यहां पर उसमें। और अगली बड़ी खबर, लखनऊ से छोटे अवैध निर्माण को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। 11 साल पुरानी शमन नीति फिर बहाल कर दी गई है। अवैध निर्माण को शमन शुल्क देकर आप वैध करा पाएंगे, प्रमुख सचिव आवास ने इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। 11 साल पुरानी शमन नीति फिर बहाल कर दी गई है, यानी अवैध निर्माण को शमन शुल्क देकर आप वैध करा सकते हैं, प्रमुख सचिव आवास ने इसी बाबत शासनादेश जारी किया।